नमस्कार, मैं श्वेता मिश्रा आवाज इंडिया टीवी के मंच पर आपका स्वागत करती हूं। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों की ओर। बहुजन समाजवादी पार्टी अध्यक्ष मायावती ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि रायपुर अधिवेशन में जातीय जनगणना तथा प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण के संदर्भ में कांग्रेस की सकारात्मक भूमिका केवल छलाव और चुनावी स्वार्थ राजनीति है, क्योंकि सत्ता में होने वाली कांग्रेस ही इसका उल्टा ही कर सकती है। भाजपा का रवैया भी ऐसा ही है। उन्होंने कहा कि प्रमोशन में आरक्षण के मुद्दे को लेकर कांग्रेस व भाजपा सपा को आगे करके संबंधित बिल को संसद में पारित होने दिया जाए। इस जातिवादी षड्यंत्र को भला कौन भुला सकता है। किसानों के मुद्दे को लेकर विधान भवन में आज विरोधियों ने जोरदार हंगामा किया। प्याज की टोकरियों को लेकर विधान भवन प्रीमाइसेस में आंदोलन किया। यह सरकार किसान और कर्मचारी विरोधी है, ऐसा आरोप कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले इन्होंने किया। बीजेपी ने आज और सत्ता पक्ष ने सरकार ने आज जिस तरह से पूरे दिन भर का कामकाज, जिसका कोई किसी ने विरोध नहीं किया था, जो प्रस्ताव लाया गया था वो प्रस्ताव का किसी ने विरोध नहीं किया, लेकिन महंगाई, जो गैस की जो कीमतें बढ़ाई गई है, किसानों के खेतों की बिजली काटी जा रही है, किसान बड़े पैमाने में आत्महत्या कर रहे हैं, उस बारे में हम लोगों ने प्रस्ताव आज लाया था। लेकिन इस विषय पर चर्चा नहीं आना चाहिए और चर्चा नहीं आना चाहिए, इसलिए बीजेपी ने और सत्ता पक्ष ने जिस तरह से आज जनता का गला घोटने का काम किया, उसका भी हम निषेध करते हैं। संजय राउत विधान भवना बाबत नहीं मिले, संजय राउत कोणापी मिले कि ज्या चाळीस आमदारांनी शिवसेनेशी गद्दारी केली त्या विधान भवनातील 40 लोकांना ते चोर मिळालेले आहे। आणि याच्यातील संपूर्ण संजय राऊतच नाही, संपूर्ण देशातील जनता त्याची सहमत आहे की ज्यांनी ही पक्षाशी गद्दारी केली, ज्यांनी शिवसेना नाव चोरलं, ज्यांनी शिवसेनेचं चिन्ह चोरलेलं आहे, अशा लोकांच्या बाबतीत जर संजय राऊत बोलले असतील तर मीच नव्हे तर देशातील संपूर्ण जनता, महाराष्ट्रातील जनता संजय राऊतांच्या ह्या संभाषणाचं समर्थन करेल। ज्या ईडीनी किंवा ज्या भारतीय जनता पार्टीनी संजय राऊतांना चुकीच्या कारणासह 3.5 महिने ईडीनी त्यांना जेलमध्ये टाकलं आणि त्यावेळी सुद्धा संजय राऊत डगमगले नाही, घाबरले नाही, गुडघे टेकले नाहीत, अशा वेळी सुद्धा ते तुरुंगात जाणं पत्करलं, परंतु त्यांनी त्या कारवाईसाठी गुडघे टेकले नाहीत, त्यामुळे कारवाईला संजय राऊत घाबरणार नाही आणि आम्ही घाबरणार। आज हमने विधान भवन में देखा कि श्रीमान उद्धव ठाकरे जी ने स्वर्गीय बालासाहेब ठाकरे जी के विचारों को त्याग कर जिस राष्ट्रवादी और कांग्रेस दल के साथ समझौता किया था, वह राष्ट्रवादी और कांग्रेस दल ने आज उनका साथ विधान भवन में पूरी तरह से छोड़ दिया। उनको अकेले में आज सारा देश देख रहा था कि किस प्रकार से उद्धव गुट विधान भवन में अकेला था। जब तक उनके गुट के नेता ने जो बेहुदा बयानबाजी की है उनकी गिरफ्तारी नहीं होती, तब तक समूचा विधान मंडल चुप नहीं बैठेगा। यही सभी का निर्णय है, यही फैसला है। संजय राउत ने जो कुछ बोला, जो अपमान किया है, हमारे सबका यही आग्रह था कि स्पीकर ने उसको जल्द से जल्द उसके ऊपर हक कबंग की कार्रवाई करनी चाहिए, डिसिप्लिनरी एक्शन लेना चाहिए। वो जिस वोट्स पे जीतते आया है वो हमारे सारे आमदारों का वोट्स है, विधायकों का वोट्स है। उसकी इतनी अगर हिम्मत होगी कि उसको खुद को बहुत बड़ा अगर वो शूरवीर समझता है तो उसने महाराष्ट्र पुलिस से जो दिया हुआ प्रोटेक्शन है वो छोड़ देना चाहिए और फिर महाराष्ट्र में घूम के दिखाना चाहिए। हम सब लोग ने ये मांग की है कि जल्द से जल्द ये संजय राउत के ऊपर स्पीकर ने कार्रवाई करनी चाहिए। स्पीकर ने हमको कहा है कि आने वाले 8 मार्च को वो इसके बारे में हम अपना डिसीजन देंगे। एक डिसीजन विधानसभा में होना चाहिए और दूसरा डिसीजन वो रस्ते पे होना चाहिए, ऐसे हमारी मांग है। ज्यावेळेला विधानसभा माननीय विधानसभा अध्यक्षांनी संजय राऊत यांच्या विरोधात जो हक्कभंग स्वीकारलेला आहे त्यावेळेला आपण देखील ऐकलं असेल, त्याच्यानंतर मी जाऊन खात्री देखील केली विधानमंडळ सचिवालयाकडे की ते जे नोटीस दिलेले आहे सन्मान्य सदस्य अतुल भातकळकर आणि भरत गोगावले यांनी जे नोटीस दिलेलं आहे ते विधानसभा अधिनियम 272 अन्वये दिलेलं आहे।
आणि ज्या वेळेला अध्यक्षांनी विधानसभा नियम 272 चा उल्लेख केला असेल, तुमच्यापैकी बरेचसे पत्रकार मित्र त्या प्रेस गॅलरीमध्ये असतील, मी तात्काळ पुस्तक घेऊन उभा राहिलो आणि मी सातत्याने अध्यक्षांना पुस्तक दाखवत होतो की मला खात्री करून घ्यायची आहे आणि मला बघायचं आहे की तुम्ही 272 अन्वये हा जो प्रस्ताव दाखल करून घेतला। मी तुम्हाला आज सांगतो, विधानसभा अधिनियम 272 हा विनंती अर्ज स्वीकारण्याचा नियम आहे। विशेष हक्क भंग अधिकार हा ही कारवाई सुरू होते ते विधानसभा अधिनियम 273 पासून सुरू होते आणि म्हणून 272 अन्वये स्वीकारलेला प्रस्ताव आहे हे मी तुमच्याही लक्षात आणून देतो। हे विधानमंडळ सचिवालयाच्याही मी लक्षात आणून दिले, अध्यक्षांनी त्याचा उल्लेख केल्यानंतर मी हातामध्ये पुस्तक घेऊन अध्यक्षांकडून पुन्हा मी वदवून घेणार होतो की 272 अन्वये हे खरं आहे ना, परंतु मला बोलायची संधी मिळाली नाही। त्यामुळं या सरकारबद्दल आणि या सरकारच्या एकंदरीत विधानमंडळाच्या माना अपमानाबद्दल किती जागरूकता आहे हे आपल्या लक्षात येईल। सब आमदारांके खिलाफ जो वक्तव्य जो स्टेटमेंट राउत साहब का आया उसका हम सब ने निषेध किया, वो हमने सुना नहीं, बट जो सब लोग कह रहे हैं उसको हम एक्सेप्ट करके सब आमदारों का हित देखते हैं और मतदार, क्योंकि एक आमदार एक व्यक्ति नहीं होता, पूरा मतदार संघ होता है। विरोधी पक्ष नेता अजीत दादा ने भी आमदारों के बाजू से विषय वहाँ पे व्यक्त किया, लेकिन ये सब होने के बाद अध्यक्ष ने जब रूलिंग दिया था तब जो आज प्यास के भाव है, लाइट का विषय है, बेरोजगारी का प्रश्न है, उस पर चर्चा होनी चाहिए थी, वो हो नहीं पाई और इस चीज़ के हमको सब बुरी यही चीज़ हमको बुरा लगता है। इसीलिए हमारा यही कहना है कि एकाध दो घंटा हम समझ सकते हैं, लेकिन पूरा दिन अगर आप स्थगित करते हो तो ये चीज़ जो कॉमन मैन है उसके लिए योग्य नहीं है। सुबह का हमारा जो लाइट विषय का आंदोलन था वो देखने के बाद सरकार के पास कोई भी उत्तर नहीं था, इसीलिए अधिवेशन में हम अगर वो विषय लेंगे तो मंत्री महोदय, मुख्यमंत्री, DCM उस पर क्या उत्तर देंगे, शायद ये चीज़ उनके मन में रहेगा, इसलिए उन्होंने जो दिन था वो वहाँ पे तहकुब किया। हम किसानों का विषय लेंगे, युवाओं का विषय लेंगे, हम लाइट का विषय लेंगे, जो रेट किसानों को नहीं मिल रहा वो हम लेंगे, अनेक ऐसे विषय है जो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन आज अनफॉर्चुनेटली इस विधानसभा में ये जो सरकार सत्ते में है उनके कारण हम वो विषय बात नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते, तो कहीं ना कहीं तो लोकशाही जो है, जो डेमोक्रेसी है, उसको भी दबाने का प्रयत्न ये सरकार के माध्यम से हो रहा है, ऐसा हमको लगता है। मी एक शेतकरी कुटुंबातला आहे, त्यामुळे मला बाकी ED CBI NIA काय जे काही चौकशा यांच्या लबाळांच्या ज्या काही शासकीय यंत्रणा असतील त्याची अजिबात मला भीती नाही आहे, त्यामुळे ताकदीने मी सामोरं जाणारा माणूस आहे, कारण मी एक शेतकरी आहे। त्यामुळे आज जे विधिमंडळात घडलं त्याचं नुकसान जर सर्वात मोठं काही झालं असेल ते झालंय विधिमंडळाचं कामकाज तहकूब होणे, आणि कामकाज तहकूब झाल्यानंतर ज्या लक्षवेधी आम्ही आमच्या भागामधल्या मांडतो, ज्या शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर आम्ही 2 दिवसांपासून आंदोलन करतोय, आज वीज कनेक्शन संदर्भात आंदोलन केलं, गॅस वाढला गॅस दरवाढीचं आंदोलन केलं, त्यानंतर काल कांद्याचं आंदोलन केलं, कापसाचं आंदोलन केलं, हरभऱ्याचं आंदोलन केलं, ही आंदोलनं यावर जर आम्ही प्रश्न विचारणार होतो, यावर जर आम्ही लक्षवेधी लावली असेल, यावर जर आमचे प्रश्न असतील, आमच्या जिल्ह्यातले काही महत्त्वाचे प्रश्न असतील, ते कामकाज सत्ताधाऱ्यांनी 2-3 दिवस होऊ दिलं नाही, महाराष्ट्राने पाहिलेलं आहे। त्यामुळे महाराष्ट्र, कारण ही आता बगल देण्याचं काम, आता उद्या बघा, उद्या 2 तारीख आहे, बरोबर ना, म्हणजे कसबा आणि पिंपरी चिंचवडच्या निवडणुकीच्या एक्झिट पोलवर सर्व आपण पत्रकार बांधव कॅमेरे धरून असणार, म्हणजे उद्याचा दिवस सुद्धा जर हे आसुरीय प्रवृत्तीचे लोक दोन्ही ठिकाणी जिंकले तर ते उन्माद मांडतील, उच्छेद मांडतील, आणि जर त्यांचा पराभव झाला तर उद्या ते परत गदारोळ माजवतील राऊतांच्या अटकेवरून। म्हणजे अशा पद्धतीनं जर राजकारण असेल, उद्याच्या निवडणुका जर भारतीय जनता पार्टी जिंकली तर पैसा जिंकला असं समजा। आता तुम्ही म्हणाल तुम्ही हरले म्हणजे काय हरलं, माझा प्रश्न असा आहे की मी महाराष्ट्राच्या सर्व जनतेला अत्यंत जबाबदारीनं सांगतो,
ह्या दोन्ही निवडणुका पैशाच्या जोरावर भारतीय जनता पार्टी खेळलेली आहे आणि त्यांच्या बाजूला जर निकाल आला 2024 नंतर महाराष्ट्राच्या लोकशाहीमधल्या निवडणुका तुम्हाला संपलेल्या दिसतील। यांची मस्ती, यांचा माज, यांचा पैसा, यांचा दर्प, यांचा अहंकार हा जर महाराष्ट्रामध्ये असा उच्छाद मांडत गेला तर महाराष्ट्राचं भविष्य चांगलं नाही आहे। भ्रष्टाचार के मामले में इस्तीफा दे चुके दिल्ली के पूर्व सीएम मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की जगह केजरीवाल कैबिनेट में दो नाम तय हो चुके हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने अदेशी मान लेना और सौरभ भारद्वाज का नाम अपने कैबिनेट के लिए फाइनल कर लिया है। उन्होंने दोनों नाम एलजी के पास मंजूरी के लिए भेज दिया है। जल्द ही दोनों शपथ लेंगे। सुप्रीम कोर्ट तमिलनाडु सरकार की उस याचिका पर सुनवाई को तैयार हो गया है जिसमें उसने मद्रास हाई कोर्ट के आरएसएस को मार्च निकालने की अनुमति देने के फैसले को चुनौती दी थी। सीजेआई चंद्रचूड़ के बेंच 3 मार्च को इस याचिका पर सुनवाई करेंगे। आरएसएस का यह पथ संचलन 5 मार्च को निकाला जाना है। 10 फरवरी को मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु पुलिस को निर्देश दिया था कि वह संघ को राज्य में मार्च निकालने की परमिशन दे। कर्नाटक में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा ने तैयारी शुरू कर दी है। भाजपा आज से राज्य भर में विजय संकल्प यात्रा शुरू करेंगी जो 20 दिन तक चलेंगी। यात्रा के तहत 8000 किलोमीटर की दूरी तय की जाएंगी। इस दौरान 80 से ज्यादा रैलियां, 74 जनसभाओं, लगभग 1500 रोड शो होंगे। यात्रा में भाजपा 4 करोड़ लोगों तक पहुँचने की उम्मीद कर रही है। मैदानी इलाकों में गर्मी ने फरवरी में 122 साल की रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इस मौसम विभाग ने 2023 में गर्मी के लिए पहली बार चेतावनी जारी की है। इसे देखते हुए क्या करें क्या ना करें की सूची जारी की गई है। इसके मुताबिक जरूरी ना होने पर दोपहर 12 से 3 बजे के बीच घर से ना निकले, बच्चों को कार में अकेले ना छोड़े। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान अपने लंबे बाल और दाढ़ी वाले लुक में दिखने वाले राहुल गांधी का नया लुक सामने आया है। यह नया लुक उन्होंने लंदन में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम में पहुंचने से पहले रखा है। सोशल मीडिया पर जो तस्वीरें वायरल हो रही है उसमें राहुल गांधी के छोटे बाल और ट्रिम दाढ़ी मूछें दिखी जा सकती है। राहुल गांधी अपनी ट्रेडमार्क सफेद टी शर्ट की जगह कोट टाई में नजर आएंगे। यह लुक सोशल मीडिया पर काफी पसंद हो रहा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में जाति जनगणना और यूपी सरकार ने 2023-24 वित्त वर्ष के बजट पर अखिलेश यादव ने अपना भाषण दिया। सदन में अखिलेश ने एक बार फिर जाति गणना की मांग की है। बताओ तुम शूद्र हो या नहीं। हालांकि बाद में राज्य भर को भी जाति जनगणना का समर्थन करते हुए अखिलेश ने कई और बातें कही है। नागपुर में ब्लूबर्ड द्वारा आंबेडकर इन्फ्लुएंसी मीट का आयोजन किया गया। बिजनेस में अग्रसर बुद्धिस्ट युवा द्वारा इस मीटिंग का आयोजन हुआ। विविध क्षेत्र में कार्यरत युवाओं को बिजनेस प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा कर लाना, उनके प्रोडक्ट सर्विस तथा व्यवसाय का प्रमोशन करने हेतु इस मीटिंग का आयोजन हुआ। ब्लूबर्ड ऐप के माध्यम से अपने बिजनेस को कैसे प्रमोट करें इसका मार्गदर्शन इस वक्त किया गया। मीटिंग स्ट्रेटजी स्किल्स गवर्नमेंट स्कीम का मार्गदर्शन किया गया। देश भर से नागपुर पहुंचे आंबेडकर इन्फ्लुएंसी ने इस वक्त अपने विचार साझा किए। ब्लूबर्ड्स क्या है, इसकी कंसेप्ट क्या है, यह सारी समझाई। इसी प्रकार की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आवाज इंडिया टीवी।